अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राजा मुश्ताक। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान अजहर रंगीला साहब, नाजार चौधरी, अयूब मिर्ज़ा साहब और उनके साथ व्यक्ति हैं सना। लो जी, खबर ये है जी कि टांगों से महरूम एक रकासा जो कहती है कि मैं जब आईने के सामने जाती थी तो मैं डर जाती थी, जब मैं डांस सीखने के लिए क्लास में जाती थी तो बड़े खौफनाक किस्म के रिमार्क्स पास होते थे। वे, वे, वे। लेकिन मैंने इन चीजों का डट के मुकाबला किया और इन चीजों की परवाह ना करते हुए आज मैं उस मकाम पे हूँ कि जो जिस तरह की मैं लाइफ चाहती थी इस तरह की लाइफ मैं गुजार रही हूँ। वाह वाह वाह, यानी कि मिर्ज़ा साहब देखो एक ही खबर है। और रंगीला साहब, बात ये है कि जिस तरह की इंसान लाइफ चाहता है उस तरह की लाइफ जीने के लिए इंसान को एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। देखो बंदा जो सोचता वो होता नहीं जी। देखो ना, हम सना की एक लत है, लत लग बैठी थले लाता पता कोई नहीं है अपना, देखो ना लत थले ला के बैठी है। दो लत्तां ने पोषण तो कम लेंदी सी पर भरपूर डांस। देखो ना, हिम्मत करने नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है वो सौरभ जी तुसी आप ही हैं। हां जी, मैं उनका नाम को, यानी कि तारीफ होती है पर हौसले की गल है जी। मजाक ना, तो मजाक नहीं है अपना राजा साहब। वो रकासा का नाम की थी? रकासा का नाम था कैठान। कैठान एक कैठान की कड़ा की टिकट है। टिकट है जी जी, यानी कि मैं घूम के ला रही है। तो मजा आने लगा उसले कट करो ना। बड़ी गल है जी 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 के इथे लोकी दो दो लत्ता होके कुछ नहीं करते। दो लत्ता ने फिर गल ओही आउंदी है, कख नहीं कर रहे, कभी टीला भन के दूरा नहीं किया। और पता नहीं मां भी कहती है खरे किथों आ गया, भाभी साडी कहती है खरे किथों आ गया वेला, अरे मुआशरे की बात हो रही है, मुआशरे की बात कर रहा हूँ मैं, और कोई बात नहीं करते। ओए बंगाली बगैरता की कर रहे हैं। ओए तू कौन है गोजरे के? देखो कितनी प्यारी है, देखो सना भी कितनी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। देखो तो सही, हमारा पेड़ दे पता सिर तेरी पट्टी तोड़नी बर्फ वाली के तेन पता लग जाना साहिवाल तक तेन पता लगेगा। ना कर मैं तेन ओ पट्टियां लाउनी जी घंटे घंटे बाद पट्टियां लग गई यार, बर्फ वाली पट्टियां लग रही ने। खबर केड़ी चल रही है? और रकासा की गल चल रही है, दिया दो लत्ता नहीं सन फिर भी डगड़म करती थी। वैसे अगर रंगीला साहब वैसे उस औरत का किदा हौसला कि उसकी लत्ता भी नहीं सन जो अपने फन की तकवीत वास्ते वो अपने फन के नाल परफॉर्म कर रही है, तो उसे पैदा करने वाले भी देख रहे होंगे, उसके भैन भरा भी देख रहे होंगे। देखो कि उसके मेहनत का जज्बा कितना जज्बा अपने काम का फनकार है। कहता फनकार की अजमत को तराजू में न तोलो, फनकार तो हर दौर में अनमोल रहा है, वो देखो सामने अताई बोल रहा है। इधर फताई बोल रहा है। कहता फन नाल फनकार दिंदा, रोटी नाल इंसान दिंदा, ते सब तो खुशकिस्मत वो इंसान है जिदी जग ते मां जिंदा। मां एक ऐसा तोहफा है कि इहदे वर्गी दुनिया ते कोई गल नहीं। लो जी, फिर मैनूं याद एक और शेर आ गया। हां जी, कहंदे ने जिस घर दे विच मां नहीं हुंदी उस घर दे विच छां नहीं हुंदी। क्या बात, क्या बात। कहंदा है कि जिस घर दे विच मां नहीं हुंदी उस घर दे विच छां नहीं हुंदी, जे मां कोलो दिल मंग लवे मां कोलो ते ना नहीं हुंदी, जेकर तेरी मां रुस जावे ते रब वल्लों वी हां नहीं हुंदी। क्योंकि मां दी इक हां, बाप दी बददुआ से बचो ते मां दी दुआ लो।
ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿ ਮਾਂ ਬਦਵਾ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਦਿਲੋਂ ਢਿੱਡੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੀਆਂ ਜਾਵੇ ਮਰ ਜਾ ਪਰ ਦਫਾ ਹੋਣੇ ਆ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਚੀਚੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਪਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛਿਲਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਉਹ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਰਿੱਕੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਮਾਂ ਬਦਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ जी मिर्जा साहब आपकी अगर बात खत्म हो गई है तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ बात ये है कि माँ जो है ना कभी आपको बुरा भला भी कहती है ना तो उसमें भी उसके कहीं ना कहीं लाड़ छुपे होते हैं ठीक है उसकी मोहब्बत छुपी होती है उसका दाइया छुपा होता है ठीक है जो आप ही करती है ठीक है माँ के पास कौन सी दौलत होती है बाप की तरफ से तो उसको हर वक्त डर लग रहता है वो समझती है कि पराया घर है उसका अपना घर वो होता है जो उसके बेटे का घर होता है ठीक है वो भी जब प्राइयां बेटियां दूसरी बेटियां आके तो उसको कहती हैं कि माँ तुसी हुण ना पुराने घर चले जाओ ठीक है तो बस अल्लाह खैर करे और मैं बात कर रहा था रकासा की नहीं रकासा की आप बात कर रहे थे आपने माँ का मैसेज दिया आपके ओल्ड होम बने हुए हैं जी ये माओ बहनों भाइयों वाले हैं और माए बहने आती है और मैं हमारा ईद के दिन ओल्ड होम जाने का इत्तेफाक हुआ राजा साहब वहां पे जाके देखा तो हमने उनसे बोला कि यार आज तक ईदे तो अपने बहन भाइयों में हम करते हैं आज हम ईद आप में करेंगे वहां पे बुजुर्ग पगड़ियां बांधी हुई हैं चादरें तैमते धोतियां बांधी हुई हैं और वहां माओ बहनों ने हमारे अच्छे कपड़े सूट पहने हुए हैं आंखों में आंसू हैं और जबान पे जवाब है सवाल है तो वो कुछ कहना चाह रही थी मैंने कहा माजी क्या कहती हैं आप यहाँ पे कैसा महसूस कर रही हैं तो कहती हैं मैं की महसूस करना है पुत्र तो इतने आके महसूस कर ले मेरे को राजा साहब इस गल दे विच आके बकवास करता है जिहड़ा ना ये अल्लाह दी कसम है जिहड़ा होए जिहड़ा वर्कशॉप च ठीक होना है सब तो वड्डी गल है कहती बेटा मेरे बेटे मुझे नहीं पूछते मेरी बेटियां नहीं पूछती मेरा मियां नहीं मुझे पूछता मियां से पूछो मेरी बेगम नहीं मेरी पूछती मेरे बच्चे नहीं पूछते अच्छा मेरे ना राजा साहब इस अजर वकीला साहब की कोई खास मुखालफत है मैं यहाँ नहीं इस बारे में गल कर सकता माना शिकायत लड़ाई होगी अच्छा अजर साहब जी दो तारा ला दो बात ये है एक माँ बेटा थे तो बच्चे का बाप जो है वो बचपन में ही फौत हो गया तो माँ ने बेटे को तकरीबन कोई 10-15 साल पाला पोसा बड़ा किया जवान हो गया 5-6 साल का था जब उसका बाप फौत हुआ तो माँ ने बड़े लाडों से उसकी बहू जो है वो तलाश की शादी हो गई तो शादी के कोई 2-4 दिन ही गुजरे माँ जो उसकी बहू थी उसको उसकी जो खांसी की आवाज़ थी या उसका शोर उठना या उसकी बात बात में उसको कुछ समझाना वो उसको नागवार गुजरता था तो कुछ दिनों में अपने फलों को कहती है कि आपकी माँ मुझे तंग करती है फलाम उसके कान भरने शुरू कर दिए तो कुछ दिन गुजरे तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उसने कहा कि माँ को ओल्ड एजेस होम जो है वो छोड़ दिया खैर बेटे बेटा मजबूर हो गया अपनी बीवी के हाथों अपनी माँ को वहाँ पर छोड़ के आ जाए वक़्त गुजरता गया कभी चक्कर लगा लेता था कभी मतलब इसी तरह जब शुरू में दिन थे तो कभी 6 महीने में चक्कर लगा लिया साल में लगा लिया एक वक्त था कि अपने कामों में मसरूफ हो गया अपनी फैमिली के साथ मसरूफ हो गया बच्चों में मसरूफ हो गया माँ का आखिरी टाइम आ गया तो ओल्ड एजेस होम वालों ने कॉल की इसके बेटे तो बेटा जाता है माँ को मिलने के लिए तो बातें होती हैं माँ आखिरी सांसों पर होती है तो माँ कहती है कि यहाँ पे इस ओल्ड एजेस होम में पंखे नहीं हैं तो आप इसमें पंखे लगवा लो तो वो बड़ा हैरान होता है खुश होता है कि यार देखो मेरी माँ की सोच कितनी अच्छी है ठीक है तो माँ को दाद देता है कहती है बेटा मैं अपने लिए नहीं कह रही मैं आपके लिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपको यहाँ पे आना पड़ेगा ना तो पंखे के बगैर मेरा बेटा कैसे रहेगा जो आपने मेरे साथ किया है आपके साथ होना है जैसा करोगे वैसा भरोगे और देखिए आज जो बीजोगे वही काटोगे वही काटोगे वही समझ आई ना कभी ना ये सोचे कि मैं आज ये कर रहा हूँ अपनी माँ को घर नहीं आने दे रहा अपनी माँ को घर रखना नहीं चाह रहा अपनी बहन को जो पागल है या लाचार है बीमार है उसकी बेगम उसको बहन को नहीं घर में रहने देती तो कल को उसकी बीवी के साथ भी ऐसा ही होगा उसके भाई उसको घर नहीं रहने देंगे पता नहीं की मैनू नसीहत करना है कि पता नहीं मेरा
अगले दिन मैं फिर मिल पाया फिर टांगे के मारन डे अपनी बेगम तलाक ही देनी है तलाक ही देनी है और टांगे वाला हक गया टांगे वाला हक गया टांगे वाला कहता जल्दी तलाक दे यार मैं भी वेले फिर हां जी बड़ी बड़ी गल बड़े बड़े वाकयात ने अमाना उतो पठिया की दुकान तो शिटाला लाके खाना यकीन करो ये गड्डी दे विच हर चीज है गोलियां चुके खा के कहना देखो बेईमानी यार अजकल मुखारे भी फिके फिके दसो यार कैसी गल अगले वाशरूम चे चला गया उ जनाब एक पहले बंदा बैठा कहना उठो भाजी डबल सवारी खुल गई अपनी बीवी राजा साहब गया कि मेरा दो तारे है अच्छे अच्छे खाने बनाओ हां अच्छे अच्छे खाने बनाए हां जी टापो टाप बस बुढ़ी शहर च लाके फिर सको तू मेन दस तेन कब्जा मिल गया पर जा के चीजा कि घर घर जाए अल्लाह माफी दे हाथ लाए मैरी होंगी है सिलेक्शन नजाब आपके पास क्या खबर है जी आजकल कोरोना की वजह से बहुत लोग परेशान हैं और बहुत नाउम्मीद भी हैं इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे जी कोरोना में बहुत सी परेशानी नजाब तेरे को नहीं पूछा तेरे को नहीं पूछा जूस भी लग जाता कर रहे सीरियस गल हो रही है सीरियस गल फिर मैं हस्पताल दाखिल हो जाए हो रही है जो लोग परेशान है उनकी परेशानी अल्लाह ताला दूर करे और किसी को भी ऐसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े मिर्जा साहब बात ये है और रंगीला साहब माशाल्लाह बाशऊर शख्सियत है शुक्रिया बात ये है कि परेशानी जो है ना वो कहाँ से पैदा होती है जी हमेशा टेंशन परेशानी जो है वो आपके ख्यालात से पैदा होती है जी, जो मेरे को बंदे के ख्याल आते हैं परेशानी हमेशा वहां से पैदा होती है जहाँ से ये पेड़ का रंगीला पैदा हालात से हालात से कम और ख्यालात से ज्यादा पैदा होती है अब डिपेंड करता है कि किसी भी चीज को आप कैसे लेते हैं जिस तरह मिर्जा राशन लेते हैं जिस तरह रंगीला जड़ा ना जाके मरीजा की खबर लेंदा है जिस तरह मरीजों को 100 रुपया लेंदा है राजा साहब कुछ कह रहे हैं राजा साहब अच्छा बात ये है कि ना उम्मीदी जो है ना इसका दूसरा नाम है अल्लाह ताला पे यकीन ना करना देखे उम्मीद क्या है उम्मीद पे दुनिया कहम है इसको कहते हैं अखान ये अखान वो चीजें होती हैं ये वो अल्फाज होते हैं वो लाइनें होती हैं जिसमें एक बहुत बड़ी बात को बहुत बड़ी चीजों को समेट के
एक ही लाइन में वो कंप्लीट कर देते थे बुजुर्ग। जी जी बिल्कुल ठीक है जी। आप ना उम्मीदी आप ना उम्मीदी को खुद जन्म देते हैं, और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इस क्रंतीना के बाद, इस ये जो अभी हमारे पे वबा सराइत कर चुकी है हमारे मुआशरे में, इसके बाद इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है इंशाल्लाह। उन लोगों के लिए जो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, जिनको पता है कि इसके बाद अच्छा टाइम भी आना है, ठीक है। कुरान में एक वाजिया है, बड़ा एक वाजिया तौर पे ये चीज फरमा दी गई है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, ठीक है। अब जो हम लोग घर बैठे हैं, इसको हम ऐसे क्यों नहीं लेते कि इतना अरसा हो गया है, हमें नहीं पता कि हमारी बीवी की आदत कैसी है, हमारे बच्चों की आदत कैसी है, उनकी नेचर कैसी है। अब इन दिनों में अल्लाह की तरफ से हमें घर में बैठने का मौका मिला है, हमें घर वालों की नेचर का पता चल रहा है, घर वाले हमें जान रहे हैं, हम घर वालों को जान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह करने से हम घर वालों को नजदीक हो चुके हैं, ठीक है। अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो मेरे ख्याल है कि आप एक ना उम्मीदी की तरफ नहीं जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि खुदा ना खास्ता खुदा आप पे आपकी हिम्मत, आपके हौसले या आपकी ताकत से ज्यादा वजन डाले। लेकिन जी राय साहब कहते ना कि मौला अली सरकार का फरमान है कि मुश्किल को मुश्किल समझे तो मुश्किल और बढ़ जाती है। तो मुश्किल को मुश्किल मौला अली सरकार ने फरमाया है कि मुश्किल को मुश्किल समझे तो मुश्किल और बढ़ जाती है। तो मुश्किल को मुश्किल समझना ही नहीं चाहिए, ताकि मुश्किल को मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। हम मुसलमान हैं, एक इरादे वाले हैं, और हम कलमा गो हैं, हम एक नबी पाक की उम्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पे कभी मुश्किल नहीं आ सकती। अल्लाह के फजल और करम से हम सबके लिए दुआ गो हैं, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको इस मुश्किल से निकाले। और कभी जिंदगी आप भी सना हाथ उठाओ तेरी एक बार, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुश्किल से सबको जो है ना वो बाहर रखे, और सबको अपने अपने घरों में अपने बच्चों में सलामत रखे। अल्लाह ताला ये खुशियां हमारी यहाँ वापस आ जाएं, और तमाम कायनात की खुशियां वापस आ जाएं। अल्लाह ताला सबको शफाए कामला अता फरमाए, अल्लाह ताला सेहत की बादशाही दे। और मुश्किल को इस वजह से भी नहीं मुश्किल समझना, क्योंकि मुश्किल छोटी है, मुश्किल कुशा बड़ा। जी थैंक यू नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इन्हीं अल्फाज के साथ नयाब चौधरी को इजाजत दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।